हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपकी गाड़ी की अगर क्लच प्लेट जल गई है या ख़राब हो गई है तो कैसे पता करेंगे कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट की कंडीशन ख़राब है। तो आज दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट अब ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट गियर में जब आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो गाड़ी को आगे बढ़ाते समय आपको अच्छा पिकअप नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी जो है अच्छे से पिकअप नहीं ले रही है, यानी कि धीरे धीरे करके पिकअप ले रही है और इंजन ज़्यादा शोर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की क्लच प्लेट जल चुकी है। अगर आपकी गाड़ी पर दो लोग बैठे हुए हैं तब ये जो चीज़ है थोड़ी और ज़्यादा आपको फील होगी। तो अगर आपको ऐसा फील हो तो समझ लीजिएगा कि क्लच प्लेट की कंडीशन ख़राब है। इसके बाद दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो चलाते समय गाड़ी, मान लीजिए फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही है और अगर आप एकदम से एक्सीलेटर देके गाड़ी को जल्दी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी फिर से जो है धीरे धीरे पिकअप ले, या फिर इंजन ज़्यादा शोर करे, यानी इंजन ज़्यादा शोर कर रहा है और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तब भी जो है आप जान सकते हैं कि क्लच प्लेट की कंडीशन ख़राब है, यानी क्लच प्लेट जल चुकी है। इसके बाद बात करें गियर बदलते समय आपको प्रॉब्लम आए, आपकी गाड़ी के गियर जो है वो टाइट लगे, तब भी जो है इसका मतलब ये है कि क्लच प्लेट की कंडीशन ख़राब है या वो जल चुकी है, इसको आपको रिप्लेस कराना है। तो गियर अगर अटक रहे हों तब भी जो है आपको ऐसा करना है कि क्लच प्लेट को रिप्लेस करा देना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब होगी तो जैसा कि मैंने कहा गाड़ी आपकी चलेगी तो ज़रूर लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी और इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी गाड़ी का अगर माइलेज ड्रॉप होता है, हालांकि माइलेज ड्रॉप होने के बहुत सारे कारण हैं लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है, आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है फिर भी माइलेज नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब है। अगर माइलेज ड्रॉप हो रहा है तब भी जो है क्लच प्लेट को आपको चेक कराना है। इसके बाद जो लास्ट सिम्टम्स है जो कि कभी कभी देखने को मिलता है, आप अपनी गाड़ी को जब किक से स्टार्ट करते हैं तब जो है आपकी किक अगर स्लिप होती है, न्यूट्रल में आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और किक कभी कभी स्लिप होती है, यानी किक पूरी सही से नहीं लगती है, स्लिप हो जाती है, तब भी आपको क्लच प्लेट को चेक कराना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप जान सकते हैं कि क्लच प्लेट की कंडीशन क्या है हमारी बाइक की। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तब जो है आप अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को चेक कराइए और उसे रिप्लेस कराइए। तो ये जानकारी थी क्लच प्लेट के बारे में, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।